लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिलेंडर में आग लगने से 6 लोग झुलसे, अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार। आरक्षण में केंद्र की दगाबाजी, मोदी सरकार पर भड़के शरद पवार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मंडावा में एक मकान में सुबह चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लग गई। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। सभी को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार मंडावा के लीला घरों के मोहल्ले में आज सुबह एक घर में रशीदा बानो चाय बना रही थी। इस दौरान पास में रखे लीक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग लगने के बाद अफरा तफरी में जो भी व्यक्ति घर में आग बुझाने के लिए पहुंचे, वह भी झुलस गए। एक एक कर 6 लोग झुलसे। घायलों के परिजन जावेद ने बताया, हादसा चाय बनाने के दौरान पास ही में रखे लीक सिलेंडर के कारण हुआ, जिसमें शाहरुख, शौकत, सोहेल, अख्तर, माफिया बानो व रशीदा बानो घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी दिखाई दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। देशमुख ने याचिका में अपील की थी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। उन्होंने ईडी द्वारा धन शोधन कानून के तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में हर एक में उन्हें किसी भी प्रकार के दंड से संरक्षण की मांग की थी। अनिल और उनके बेटे के नाम पर कई बार ईडी समन्स जारी कर चुकी है। उन पर 100 करोड़ की वसूली को लेकर धन शोधन कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इसके कारण देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तीसरी खबर, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आरक्षण की नीति को लेकर केंद्र की मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि केंद्र ने संविधान में संशोधन कर आरक्षण के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है, लेकिन वास्तव में यह खाने के लिए आमंत्रित कर पीछे से हाथ बांध दिए जाने की तरह है। पवार सोमवार को एनसीपी के पार्टी ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। पवार ने कहा कि साल 1992 में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत सरकार के खिलाफ इंदिरा साहनी केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके तहत 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।